ये सब तो सरकार का ही दोष है, कहाँ पुलिस प्रशासन का ही दोष है, कहाँ से मिल जा रहा है जब ये सब? तो अब हम लोग तो नहीं बता सकता है, तो हम लोग का भी मालूम नहीं है, ये सब पुलिस प्रशासन ही जानता है कहाँ से माल एथी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पब्लिक कैसे पी रहा है, ये सब तो प्रशासन का ही दोष दिया जाए। हर जगह बेचा झूठ मूठ का दारू बंद है, कोई चीज़ बंद नहीं है यहाँ। इससे तो अच्छा था कि खुला ही बेचा रहा था तो आदमी कम मर रहता था, नहीं तो ये तो सब दो नंबर काम कर कर लोग को मंगा रहे आदमी। एक तो चौकीदार को छोटी छोटी चीटियाँ खाली सस्पेंड कर देने से हो जाएगा, मेन वो सब ऊपर से सब लोग मिले हुए हैं, उन लोग को तो आप देखिए पहले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और छपरा में शराब से काफ़ी सारे लोगों की मौतें हुई हैं, उसी बीच हम एक ऐसे परिवार के साथ खड़े हैं जहाँ खुद उनके साथ ये घटना घटी है और इनके घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है सर। अच्छा, इमरान अली। जिनका डेट हुआ है क्या आपका? पिताजी का नाम है मोहम्मद नसीर मियाँ जी। कब का ये घटना है? ये लगभग दो मंगलवार को, मंगलवार जी 9 बजे शाम को हुआ है। अच्छा, पहले क्या हुआ उनको? देखिए, हमारे घर के बगल में ही बारात आया हुआ था, उसमें उसके बाद पिताजी हमारे भी थे, सही सलामत थे, उसके बाद हम लोग देखे थे तो वो भी सही थे, उसके बाद गए थे सोने के लिए, उसके बाद सो गए थे, उसके बाद देह में बेचैनी वेचैनी हो गया था, उसके बाद हम लोग आकर देख रहे हैं तो पिताजी को पूरा गर्मी उर्मी आ गया था, उसके बाद देख रहे हैं तो पूरा एथी हुआ था, उसके बाद जाकर हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे तो पिताजी को मौत हो गया। अच्छा, कितनी उम्र थी? लगभग 60 वर्ष थे। 60 वर्ष थे जी। आपके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं? हमारे घर में पिताजी कमाते थे तो हम लोग खाते पीते थे, उसके बाद तीन भाई हैं एक बहन है। अच्छा, मतलब जो भी चीज़ होता था वो आपके पिताजी देख रेख करते थे, उन्हीं की वजह से घर चलता जी। जी, देखिए बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी कहाँ है ये पता ही नहीं है किसी को, और शराब से मौतें हो जा रही है। बताइए, जिसके घर में एक आदमी कमाने वाला हो और 4 आदमी खाने वाला हो, उसका घर अब कैसे चलेगा? कैसे चलेगा आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए अब। और बिहार में, बिहार में क्या शराबबंदी है? और नीतीश जी सवाल करने पर विधानसभा में गुस्से हो जाते हैं, किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है? ये सब तो सरकार का ही दोष है, कहाँ पुलिस प्रशासन का ही दोष है, कहाँ से मिल जा रहा है जब ये सब? तो अब हम लोग तो नहीं बता सकता है, तो हम लोग का भी मालूम नहीं है, ये सब पुलिस प्रशासन ही जानता है कहाँ से माल एथी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पब्लिक कैसे पी रहा है, ये सब तो प्रशासन का ही दोष दिया जाएगा। अब क्या चाहते हैं सरकार से? प्रशासन से यही दुआ करेंगे कि ये सब बंद करवाए किया जाए, इस पर कुछ लागू किया जाए। देखिए, भावुक भी हो रहे हैं, कहते कहते भावुक भी हो रहे हैं। आइए, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभी उनके लड़के जी महमुद्दीन। किसकी लापरवाही से सब हो रहा है? वो गए थे बाजार, हमसे बोले थे बाबू सब्जी नहीं है, हम बोले ना प्याज और आलू लाए हैं, और बाद उधर से कुछ पी कर आए थे तो वो लार पुआर पूरा हो गए थे, वो बड़ा ठीक थे जब आलू प्याज लाए थे तो सोए तो पूरा देह में बेचैनी हो, कपड़ा खोल कर फेंकने लगे। अब घर का कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा, वही कमाने वाले थे हम लोग, छोटे छोटे हैं नहीं कमाते, पढ़ते हैं अभी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। 8 में पढ़ते हैं। बताइए, क्या ही बताएं हम, क्या नाम है आपका? मेरा राजुद्दीन आलम। अच्छा, क्या लगते थे? मेरा पिताजी हैं। आपके पिताजी बहुत बड़ी जी, क्या कहें हम, समझ में नहीं आ रहा है हमें किसकी लापरवाही से हो रहा है ये सब। ये तो लापरवाही प्रशासन का है और सरकार का है। क्या कह रहे थे चाचा आप? हम क्या कहेंगे, अभी तो फिर एक आदमी को माटी देकर आ रहे हैं, अभी तो तुरंत अभी आ ही रहे, अभी घर भी नहीं ढूके। ये आपके मोहल्ले के थे ना? जी, हमारे चाचा ही थे। हाँ, एक तो वहाँ से अभी फिर हम लोग लाश को ले जाकर माटी उटी देकर आ रहे हैं। इधर आ गया लाश के तो मरे लगा हुआ है, झूठ बोलते आदमी नहीं मरा है, नहीं मरा, कम से कम 60 से ज़्यादा लोग मरा है अभी। हाँ, मगर झूठ मूठ को लोग दिखा रहे हैं कि नहीं इतना मरा है, सब इसमें राजनीतिक हो रहा है। हाँ, पूरा टोटल हम देंगे शिकायत प्रशासन का, ये जान जाइए, वही बेचवा रहा है, वही सब कुछ वही करवा रहा है, प्रशासन ने बेचवा रहा है, सब कुछ करा है, इसलिए कि वो लोग चौकीदार जाते हैं, पहले ही कह देंगे जी अब पुलिस आएगा आपका घर पर छापा मारने के लिए, वो सब लोग हटा देता है लोग, फिर पैसा मिल जाता है, फिर उसके बाद बिक्री चालू है। प्रशासन की मिली? हाँ हाँ, और कुछ नहीं, वो चाहे प्रशासन तो कुछ नहीं हो सकता यार, सब चीज़ हो रहा है प्रशासन के चलते।
क्या मांग कीजिएगा सरकार? हम यही कहेंगे प्रशासन को टाइट कीजिए, ये सब को सुधार कीजिए। हम लोग गरीब आदमी क्या कहेंगे, कितने घर बर्बाद हो जाएंगे आए दिन बिहार में। हाँ, ऐसे हो रहा है, सब कुछ तो देख रहे हैं, सब कुछ आप जानते हैं, हर जगह मिल रहा है, हर जगह बैठा झूठ मूठ का दारू बंद है, कुछ चीज़ बंद नहीं है यहाँ। इससे तो अच्छा था कि खुला ही बेचा रहा था तो आदमी कम मर रहता था, नहीं तो ये तो सब दूर नंबर काम कर कर लोग को मुंगा रहे आदमी काम कर। देखिए ये सारी चीज़ें थी, कह रहे हैं लोग यहाँ पे कि इससे अच्छा तो दारू खुल जाता तो बेहतर होता है, कम से कम लोगों की मौतें ना होती ना। देख लीजिए नीतीश जी, आप ही इसी के दोषी हैं, जितनी लोगों की मौतें हो रही हैं ये आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आप प्रशासन की मिली भगत से हो रही है सारी चीज़ें, लोग कह रहे हैं ये, और प्रशासन चाह दे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये जान लीजिए आप। और क्या बताएं, कितने घर से छत उजड़ गया बिहार में, आए दिन सुनने में आता है, कभी बिहार के किस कोने इस कोने से आता है, कभी उस कोने से आता है, अभी मसरक में इतना बड़ा कांड हो गया और आपके कान में तेल जाता ही नहीं है, कौन बताइए कैसे होगा ये सब, कौन जिम्मेवार है इसका, कौन जवाब देगा? एक तो चौकीदार को सस्पेंड करने से हो जाएगा, एक तो चौकीदार को छोटी छोटी चीटियां खाली सस्पेंड कर देने से हो जाएगा, मेन वो सब ऊपर से सब लोग मिले हुए हैं, उन लोग को तो आपको देखिए पहले, और चाहते एसपी डीएसपी कलेक्टर सब लोग तो कुछ एक तो चिड़िया नहीं हिल पाएगी, मगर हो गया, उसके पहुँच रहा है, उसके पास से उससे पहुँच रहा है, यही चल रहा है बिहार। देखिए चाचा का साफ झलक रहा है, गुस्सा झलक रहा है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, और लोग भावुक हैं, हम क्या दिखाएं और क्या नहीं दिखाएं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग जगह घूमा मसरक में, सड़क तख्त में हैं हम लोग, और ये इलाका है, और यहाँ पे भी मौतें हुई हैं, काफ़ी लोगों की हुई है, आगे भी हुआ है ऐसे बताया जा रहा है, और लगा हुआ है, और हम खुद देख कर आए हैं, और क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, रियलिटी बता रहे हैं आपको, और इतना गुस्सा आ रहा है हम क्या बताएं, कह नहीं सकते हैं, और हमारे चिल्लाने से आपके कान में अगर कितना सुनाई देता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको जगना पड़ेगा और गंभीरता से इस पे काम करना पड़ेगा, तभी सुधार होगा। चलिए आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, शुक्रिया।